बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब सर, ये सोशल मीडिया का दौर है जिस पर माशरे के बनाव और बिगाड़ का दारोमदार है। मैं कोई पुरानी और तकिया मुस्लिम मिसाल देकर सोशल मीडिया की अहमियत जताने की कोशिश नहीं करूंगा, पर गुज़िश्ता सालों की बात है कि जब 2011 में यूनेस के हाकिम ज़ैनुल आबिदीन के सालिमाना इक़दाम के खिलाफ रियाया सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू करता है, जिसके नतीजे में 24 सालों से विराजमान आमिर के को मुंह की खाई पड़ती है। बात यही नहीं रुकती जनाब सदर, बात यही नहीं रुकती। यही तहरीक अरब स्प्रिंग के नाम पर ट्यूनिस के सरहदों से निकलकर मिस्र के हाकिम जो 30 सालों से हुकूमत कर रहा था उस पर हुक्मरानी के मंजे शख्स हुस्नी मुबारक को अपनी लपेट में लेता है, और इसी सोशल मीडिया की सबक हमसाए में मौजूद लीबिया तक तफसीलात पहुंच जाती है तो कजाफी जैसे मजबूत आसाब के हामिल आमिर की बुर्ज हुकूमत जमीन बोझ हो गई। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि सोशल मीडिया कितनी ताकतवर है। आप सारे रवा दुश्मन मुल्क इंडिया के सिपाही तेज बहादुर यादव की वीडियो के बारे में तो जानते होंगे, जिसने सोशल मीडिया ने अपने वीडियो पैगाम पर अपने आप को एशियन टाइगर कहलाने वाली फौज की कली खोल के रख दी और दुनिया भर में उनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई, और यहाँ तक कि उनके फौज के सरबराह दलबीर सिंह तक उंगलियां उठी। जनाब सदर, उनके फौज के सरबराह तक उंगलियां उठी। अजीजाने ग्रामीण, ये सोशल मीडिया ही की प्रभु ने मिन्नत है कि हम और आप दुनिया में पेश आने वाले वाकयात और हादसात के बारे में आगाही कर सकते हैं। किसी जमाने में वाकयात के बारे में जानने के लिए हमें कोशिश करने की जरूरत थी, लेकिन आज वाकयात और मालूमात खुद हमारी तलाश में होती है। सोशल मीडिया की जहां दीगर शोबों में अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, वहीं आप जैसे खिदमत खल्क से सरशार दर्द इंसानियत रखने वालों ने फराही मंसूबों की बुनियादें सोशल सबसे मारूफ तरीन सोशल मीडिया के मालिक फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग के नाम से कौन वाकिफ नहीं कि जिसने इस साल तालीमी स्कॉलरशिप के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं। यानी सोशल मीडिया फलाही कामों का एक अजीम जरिया भी है जनाब सदर, लेकिन सोशल मीडिया मायूसी, फसाद, इंतशार और फहाशी जैसे रुझान को भी जन्म। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम रहते तो इस्लामी माशरे में हैं, लेकिन हमारा सोशल मीडिया अपने इस्लामी अवतार भूल रहा है। हमारे सोशल मीडिया ने मगरबी तहजीब की अक्कासी करके गैर मुहसिब अखबार को हमारे माशरे में नशोनुमा करने में मदद दी है। जनाब सदर, बेहयाई और फहाशी के सलाम ने हमारे माशरे का चेहरा बिगाड़ कर रख दिया है। जब हम मीडिया की आजादी की बात करते हैं तो एक बात को मद्देनजर रखनी चाहिए कि अगर मीडिया के जरिए मनफी रुझान में इजाफा हो सकता है, कि अगर मीडिया के जरिए गैर मजहबी तस्वीर और रिवाज फरोग पा सकते हैं, तो क्या मीडिया के मुस्बित रवैये से एक खूबसूरत और इस्लामी माशरा कयाम अमल में नहीं लाया जा सकता? मुझे जवाब चाहिए सर, जनाब सर मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि बेहयाई और फहाशी का ऐसा उदाहरण मचाया हुआ है कि जो काबिल तजहील और बाइस खिदमत है जनाब सदर। इस हकीकत की तरफ नगे दूरदेश अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 100 साल कबल इशारा किया था कि वो नगमा सर्दी होने गजल सरा की गली कि जिसको सुन के तेरा चेहरा ताम ना नहीं नवाब को करता है जनाब सदर। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान तालीम से दूरी है। सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से हमारी नई नस्ल तालीम से मुसलसल दूर हो रही है और तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। जनाब सदर, ये मेरी आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी नई नस्ल को सोशल मीडिया के फजूल इस्तेमाल से रोके और ज्यादा से ज्यादा तालीम की तरफ रागब करे, क्योंकि इल्म ने उन्हें रगे जा दिया और इल्म ने जहर का पैमाना पिया और इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म सैयारों और कहवारों और अंजामों मनु, इल्म बेटे की नई कब्र के माँ के आंसू, इल्म अब्बास सलंदार के सभी बाबू, काबों का सैन को नहीं सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है, इल्म तालिब को तलब से हिस्सा
जहल इंसान को जहल बना देता है। शुक्रिया।